चले भैया आपकी बारी। अच्छा जी, उनकी आगे जो पहली शिकायत मेरे सामने आई है इस पलंदे में, जो मैंने ही बताई थी कि प्राइस बढ़ाने में जो है, मैं देखता हूँ कि कई लोग जो है वो अच्छी बड़ी दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पर तो वो कभी डिस्काउंट की बात नहीं करेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर के मैंने छोटी छोटी रेडियो वालों से उनको बहस करते हुए अक्सर देखा है कि यार ये जरा तो तनिया दे नाल जरा मिर्चा दे फ्री दे दे और ये क्यों लगाई हुई है भाई, तुमने 200 रुपए किलो तो नहीं है ये, दूसरी तरफ आप 2000 ज्यादा दे के आ जाते हैं, या आपने ब्रांडेड सूट्स लेते हैं जब तो उसमें वही सूट जब सेल में 4000 का मिलता है, ओरिजिनल प्राइस में वो 40000 का भी हो तो ले लेते हैं, तो वो कम से कम फिर वहाँ पर ये ना, ये शिकायत है, ये नहीं करना, अच्छी शिकायत है। हाँ, सब्जी या फल वालों जो है उनसे आप क्या, उनका प्रॉफिट कितना सा होता है उसमें से भी आप ले लें। अच्छा, मेरा अगला जवाब ये है, कितनी ताबेदार बच्ची है, अरे बाप रे, महंगी सब्जी नहीं, हमारे वो लाहौर वाले इलाके में तो DH में एक है शॉप जो फल भी बड़ा अच्छा होता है, उसके पास कोई शक नहीं है, सब्जी भी बहुत अच्छी महंगी भी होती है, मैं बताऊँ ना। हाँ, मैं वही बताने लगी हूँ, आप DH से बाहर निकल जाएंगे, वो सब्जी अगर आपको 1 किलो 100 रुपए की मिल रही है तो उसने 800 की रखी हुई है। अगर आपको फ्रूट इतने का मिल रहा है, 1000 का मिल रहा है, तो उसने 3000 का रखा होता है, तो आगे से धड़ल्ले से कहता है भाई बाजी लेना तो लो, नहीं लेना तो ना लो। हम कह देते हैं DHA के रेट है, शुरू की हुई है भाई, हालांकि वो DHA ने थोड़ी दिए हुए, सही बात है। लेकिन ये वाली जो बात आपने की है ना, ये मैं भी करती हूँ, लाइक अगर मैं कहीं रुक गई हूँ, शकरकंदी खाने के लिए गाड़ी रोक ली, कोई भुट्टा लेने के लिए, तो अगर वो 100 रुपए का है तो मैं उसको 200-300 दे देती हूँ, कोई बात नहीं यार, गरीब आदमी भीख तो नहीं मांग रहा ना भाई, धूप मेहनत कर रहा है, धूप में खड़ा, बल्कि जो भीख तो करनी चाहिए, बल्कि जो भीख मांगते हैं ना उनसे बेहतर ये है कि आपके जो वेटर होते हैं इनको दे दें, बिल्कुल, वो एक्स्ट्रा अपने बच्चों के लिए फल लेके जाएंगे, दिल से दुआ निकलेगी। और क्या,